पुंछ में जो एनकाउंटर पिछले 7 दिन से चल रहा था, आज 8वें दिन भी जारी है। इस वक्त पुंछ की सूरत हाल क्या है? सीधा पुंछ में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव। सुमित जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस समय स्थिति क्या है? 8वां दिन है आज। जी दिनेश सर, आज ये जो पूरा एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा है, इसको 8वां दिन है। दरअसल ये ऑपरेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर पुंछ की रजौरी की टोपोग्राफी कुछ लोग जो समझेंगे, तो यहाँ जो दोनों का बाउंड्री है, एक तो बिलबर गली चौक की तरफ से और एक देहरा गली चौक की तरफ से, और ये जंगल दरअसल एक ही जंगल है जो बिम्बर गली से शुरू होता है और फिर संजियोट और इसके अपर एरिया से होते हुए देहरा की गली और जाके बफलियाज में खत्म होता है। ये पूरा एक ही फॉरेस्ट रीज है। ठीक है, तो इसमें जितने भी ये जंगल है, ये काफी डेंस फॉरेस्ट कवर माना जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, विलेज स्पेसिफिक इसको नाम दिए गए हैं। अभी इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत जो है ये सोमवार सुबह हुई थी, मतलब आज से ठीक 8 दिन पहले। देहरा की गली जो हमारा एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट है, जब हम थना मंडी से बफलियाज की तरफ निकलेंगे मुगर रोड पे, तो वहां पे देहरा की गली जहाँ पे हट्स भी है, वहां पे जो है एक चमरेर नाम करके जंगल आता है। ठीक। जो दरअसल राजौरी और पुंछ की बाउंड्री से ही सटा हुआ है, और एक्चुअल जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वो सुरनकोट सब डिविजन जो है पुंछ का, वहां है। तो वहाँ एतवार तकरीबन शाम को 8-9 बजे एक इनपुट आया था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ मिलिटेंट्स की कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद पुलिस और आर्मी ने पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया था। ये कॉर्डन राजौरी के बंगाई इलाकों में भी लगा और उसके अलावा दूसरी तरफ भी लगा, और उसी कॉर्डन में मंडे मॉर्निंग को रोमियो फोर्स की, राष्ट्रीय राइफल्स की एक पेट्रोलिंग टीम पे अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 5 जवान मार्टियर हुए थे। वो पहला दिन था उस ऑपरेशन का, जिसके बाद उस साइड वो ऑपरेशन आज 8वें दिन चल रहा है। और इसी बीच थर्सडे इवनिंग को, इनफैक्ट थर्सडे मॉर्निंग को, एक और इनपुट जनरेट हुआ कि इसी फॉरेस्ट कवर के दूसरी तरफ जो ये हमारा बिम्बर गली का इलाका है, जी, जो मैपे टाउन से थोड़ा ही ऊपर है और जो ये हमारा राजौरी से पुंछ की तरफ नेशनल हाईवे निकलता है वहां है, वहां पे कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद इस एरिया को भी कॉर्डन किया गया था। और थर्सडे लेट इवनिंग आवर्स में तकरीबन 6:40 के आसपास यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट हुआ, और मिलिटेंट्स ने एक राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की पेट्रोलिंग टीम पे अटैक किया था, जिसमें हमारे 2 जवान मार्टियर हुए थे, 2 मिसिंग थे, और जिनकी बॉडी फिर सैटरडे इवनिंग को रिट्रीव की गई थी। तो कुल मिला के 9 कैजुअल्टीज हैं आर्मी के पार्ट पे, इंजरीज भी हैं 1 से 2, और राजौरी और पुंछ की हिस्ट्री में पिछले 15 साल का ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा सुमित जी, मुझे ये बताएंगे आप कि ये जो एनकाउंटर आज 8वें दिन है, इसमें क्या आतंकवादियों की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है या फौज का ही ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मिलिटेंट्स की तरफ से पहले तो मंडे मॉर्निंग रॉयल राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पे अटैक किया गया था चमरेड फॉरेस्ट में। फिर थर्सडे इवनिंग को यहाँ बाटा दुड़िया के फॉरेस्ट में भी मिलिटेंट्स ने ही आर्मी की एक पेट्रोलिंग टीम पे अटैक किया था। ये 2 अटैक। उसके बाद अब अगर हम थोड़ा इसको टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा हम ऑपरेशनल ग्राउंड पे जाए, तो मिलिटेंट्स ऑब्वियसली थोड़ा लिमिटेड आर्म्स एम्युनिशन लेके चलते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी रहेगी एक पर्टिकुलर लिमिट तक वेट उठा पाएगा। तो माना यह जाता है कि मिलिटेंट 3 से 4 मैगजीन्स जो है वो अपने वेपन्स की लेके चलेंगे। अब अगर मिलिटेंट वो कॉटन में है, क्योंकि अब उनका एस्केप रूट तकरीबन प्लग हो गए हैं, तो उनको यही लग रहा है कि हम यहीं पे जो है वो ऑपरेशन कंक्लूड होगा, जो भी है यहीं पे होना। तो इसलिए यही माना जाता है कि इस स्ट्रेच में मिलिटेंट जब लॉन्ग डिस्टेंस से फायर करेगा तो बड़ा लिमिटेड फायर करेगा, ताकि उसका आम एम्युनिशन सेव रहे, और वो आम एम्युनिशन ज्यादातर यूज हो जब क्लोज ऑपरेशन होगा, गोरिल्ला वार होगी उस तरह से। तो कुल मिला के ये जो पूरा ऑपरेशन है ये इस तरह से चल रहा है कि पिछले 3 दिनों से जो बाटा दुड़िया के जंगलों में इनकाउंटर चल रहा है, इसमें सुनने को यही आता है कि मिलिटेंट्स दिन में 1 या 2 बार बड़ा लिमिटेड फायर करते हैं, 1 या 2 बुलेट ही शॉट किए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसे सेफ एरिया में बैठ गए वहां जंगल में जो क्लियरली विजिबल भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है जो थोड़ा ऐसा हिडन पैच है जहां आर्मी का डायरेक्ट फायर भी नहीं लग रहा। अच्छा मुझे सुमित जी आप ये भी बताएं कि क्या आर्मी गनशिप हेलीकॉप्टर्स और बाकी जो बिल्कुल लेटेस्ट वेपनरी है उसका इस्तेमाल कर रही है इस एनकाउंटर में या नहीं? देखिए, ऐसे कुछ जगहों पर हमें आर्मी की तरफ से कहा गया कि आप भी
रिपोर्टिंग में हर एक चीज ना बताए, और ऑब्वियसली हमारा कुछ सेफ डिस्टेंस भी रहता है इनकाउंटर साइट से, क्योंकि ये तो परमिटेड जो इनकाउंटर साइट का एक डिस्टेंस है, हम उससे तकरीबन आप मान के चले कि हम 1 किलोमीटर दूरी पे ही रहते हैं। विजिबल एरिया बेशक वो होता है, लेकिन जो इनकाउंटर साइट है उससे 1 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी पे रहते हैं। और दूसरी बात है, ये हम खुद मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि कहीं जो स्ट्रे बुलेट्स आती हैं इनकाउंटर साइट से उसका भी बड़ा रिस्क रहता है। तो उस हिसाब से हमें एग्जैक्ट तो डिटेल्स ऐसे नहीं है कि वेपनरी कौन सी, यानी दो चीजें बिल्कुल साफ है, तो एरियन सर्विलेंस इस इनकाउंटर पे राइट फ्रॉम डे वन। यानी आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद हमारे पास होंगी भी, लेकिन हम शेयर नहीं करेंगे। हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से हमें पता भी नहीं है कुछ एक चीजें, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है लेकिन हम उनको बताते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये राष्ट्रहित में जो चीजें वो बताई भी जानी चाहिए। जो कुछ चीजें सुमित जी ओवरऑल है कि एक तो एरियन सर्विलेंस इस काउंटर में रखा जा रहा है। अच्छा सुमित जी, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि कितने आतंकवादी हैं, क्या पुलिस आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज से आपकी बात हुई है, क्या बता रहे हैं कितना आतंकियों का नंबर है? देखिए, इस इनकाउंटर की सबसे जो हम कह सकते हैं पैनिक स्ट्रिकन बातें जो है वो 2 से 3 है। पहली चीज है कि हम एग्जैक्ट नहीं जानते कि मिलिटेंट्स कितने हैं, उनके ग्रुप्स कितने हैं, अगर मिलिटेंट्स है तो क्या वो 2 ग्रुप में है या 1 ग्रुप में है, और इस वक्त राजौरी और पुंछ के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कितने। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये चीज की है। दूसरी चीज, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है कि इस मिलिटेंट ग्रुप में कितने फॉरेन टेररिस्ट हैं, कितने लोकल्स हैं, कितने गाइड्स हैं, उनके पास आर्म्स एमओ किस तरह का है। हम बिल्कुल एक ऐसे मिलिटेंट ग्रुप से फिलहाल लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंटेलिजेंस जनरेशन नहीं हो पाया। सुमित जी मुझे ये बताइए, दूसरी चीज इस इनकाउंटर को लेकर थोड़ा सा जो एक और हल्का सा जिसको हम कहेंगे कि कंसर्न बात है, वो ये जो कि पुलिस ने उन रिकॉर्ड माना भी कि ये मिलिटेंट ग्रुप पिछले 2 से 2.5 महीने से इस एरिया में ऑपरेट कर रहा था। 2 से 2.5 महीने से 2 से 2.5 महीने से मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे थे। अब जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल राजौरी पुंछ रेंज की भी स्टेटमेंट आई है, उसके मुताबिक वो जो फोर्सेज है वो पिछले 2 से 2.5 महीने से राजौरी और पुंछ के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रैक कर रही है। अब 2 से 2.5 महीने से अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे है, क्योंकि रूटीन में यही माना जाता है कि राजौरी और पुंछ जो है ये ट्रांजिट रूट रहते हैं आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन, और इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद मिलिटेंट जो है वो वैली की तरफ यहाँ से मूव करते हैं। लेकिन अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पिछले 2 से 2.5 महीने से है, इसका मतलब कि वो यहाँ पे अपना बेस जरूर तैयार कर बैठा होगा, कहीं उनके कोई हाइड्स हैं या कहीं पे उन्होंने अपने कोई ऐसे नेचुरल कवर ढूंढ लिए हैं जो उनको सेफ जोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी ज्यादा हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है मिलिटेंट ग्रुप्स की, बस इतनी जरूर जानकारी है कि ये मिलिटेंट ग्रुप हल्का सा एज कम्पेयर टू अर्लियर ग्रुप थोड़ा ज्यादा ट्रेंड है या उनका लक थोड़ा तेज है, जो भी हम मान के चले, क्योंकि इनके हाथों हमारी इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई है कि शायद जो पिछले 15 सालों में कभी। अरे सुमित जी मुझे ये बताइएगा, राजौरी और पुंछ के इलाके में अभी तक पिछले 3 महीनों में कितने एनकाउंटर हो चुके हैं और कितनी जगह पर आतंकवादी कोई वारदात करने में कामयाब हुए? देखिए, अगर इस नंबर को हम देखेंगे तो कुल 9 इनकाउंटर्स हैं, 9 इनकाउंटर तकरीबन 3 महीने में, जिसमें पहला इनकाउंटर जून 8 को हुआ था। ठीक, अगर हाँ जून 8 को पहला इनकाउंटर, माफ कीजिए जुलाई 8 को, जुलाई 8 को ठीक इनकाउंटर हुआ था अश्विनी गैप कलाल सेक्टर नौशहरा में, जहाँ पे एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई थी, और इन्फिल्ट्रेशन करने के फौरन बाद आर्मी ने मिलिटेंट ग्रुप को इंटरसेप्ट किया और एक इन्फिल्ट्रेटर को वहां एलिमिनेट किया गया था। उसी दिन जो हमारा सुंदरबानी का एक एरिया है LOC से सटा हुआ, वहां पे तकरीबन तकरीबन ददल एरिया, वहां पे 28 जून से जो है वो एक इनकाउंटर चल रहा था और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उस ऑपरेशन में कोई हालांकि ज्यादा इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन 8 जुलाई को वहां पे भी कॉन्टैक्ट हुआ डायरेक्ट, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 पर्सन मार्टीर हुए थे, लेकिन 2 मिलिटेंट्स को ऑन स्पॉट एलिमिनेट किया गया था और तीसरे की बॉडी 3 दिन के बाद मिली थी। इस तरह पुंछ के LOC पे 2 इनकाउंटर्स हुए और कुल मिला के ये 2 इनकाउंटर्स अगर हम ऐड कर दें तो 9 इनकाउंटर्स जो है ये हुआ। सुमित जी आप इस स्थिति को कितना गंभीर देखते हैं कि राजौरी पुंछ का वो इलाका जिस इलाके में आतंकवाद का सफाया 2005 में किया गया था, वहां पर दोबारा से ये एनकाउंटर होना और अब इतने 8 दिनों से एक जंगल के अंदर आतंकवादी मौजूद हैं, ये कितना गंभीर और कितना चिंताजनक है? देखिए, सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है। एक वक्त ऐसा था आज से ठीक तकरीबन 1 साल पहले, जब हमें बिल्कुल याद है कि आर्मी
की तरफ से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कहीं हमें स्टेटमेंट दिया करते थे कि दिस एरिया इज फ्री ऑफ मिलिटेंसी। अब लेकिन फ्री ऑफ मिलिटेंसी हम ये जरूर कह सकते हैं कि शायद मिलिटेंसी ज्यादा बड़ी ना होगी, लेकिन मिलिटेंसी मतलब स्टार्ट हुआ है। और आप देखें एक ऑन रिकॉर्ड पुलिस की तरफ से एक्सेप्टेंस है कि एक ग्रुप पिछले 2 से 2.5 महीने से जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर 2 से 2.5 महीने से मिलिटेंट ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, वो शिफ्ट करते हैं एक जगह दूसरी जगह से, तो इट क्लियरली अकाउंट्स के कुछ ना कुछ मिलिटेंसी के रिवाइवल का पार्ट यहाँ पे हुआ है, या रिवाइवल भी ना कहेंगे बट मिलिटेंसी के रिलेटेड इंसिडेंट जरूर यहाँ शुरू हुए हैं। क्या लोकल लोग भी इसमें शामिल हैं? हमने सुना कि बाटा दूरिया गांव में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। देखिए पुलिस ने कुछ दो से तीन लोगों को डिटेन जरूर किया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज की ही ये स्टेटमेंट है कि यहाँ के लोग मिलिटेंसी को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलता। कई जगहों पे एक दो लोग कहीं करते होंगे, वो भी इतना इम्पोर्टेंट बात है नहीं, बट पॉसिबल ही है कि शायद एक दो लोग इन्वॉल्व रहे हों, लेकिन कोई इतना बड़ा उसमें आप कह सकते हैं कि कंसर्न इतना बड़ा नहीं। सुमित जी आपसे हमारी गुजारिश रहेगी कि आप अपना ख्याल रखें वहां पर, और एनकाउंटर साइट पर बिल्कुल पूरी एहतियात बरतें, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी ये एनकाउंटर चल रहा है, और अगर कोई और डेवलपमेंट होगी आपके पास जरूर आएंगे। तो आपने सुमित भार्गव से सुन लिया कि पुंछ में इस समय स्थिति क्या है। दोबारा से फायरिंग जो है वो बाटा दुनिया एनकाउंटर साइट पर, दोबारा से वहाँ पर गोलीबारी शुरू हुई है। अभी वही सुमित भी हमें बता रहे थे कि बीच बीच में गोलीबारी होती है, फिर गोलीबारी रुकती है, उसके बाद दोबारा से गोलीबारी होती है। मगर जैसा इन्होंने कहा कि डीआईजी जम्मू पुंछ रेंज विवेक गुप्ता, उनके बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ये बात मानी, और उन्होंने ये कहा कि आतंकवादी जो है पिछले लगभग 2-2.5 महीनों से वहाँ पर थे। ये अपने आप में चिंताजनक है, गंभीर है, और अभी भी 8वें दिन भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है आतंकवादियों को एलिमिनेट करने में, आतंकवादियों का सफाया करने में। उम्मीद और तवक्का ये कि शाम तक कोई अच्छी खबर वहाँ से आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही कि 9 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स भी हैं। और जैसा कि आपने सुमित से भी सुना कि ये पिछले 15 साल में राजौरी पुंछ के इलाके का सबसे बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। शाम तक अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट इसमें होती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।